Hey guys, what is up? अरे क्या क्या मैं चुन्नी अबे ना प्लस कर दी भाई मना करता हूँ आधे टेढ़े शॉट मत लिया करो निकलो बाहर तो सबसे पहले जिसने अभी तक हमारी नई फिल्म YouTube के ऊपर जो अभी रिलीज हुई है वो नहीं देखी है यहाँ टाइम खराब मत करो पहले वो जाके देखो जाओ विक्रांत चौधरी को स्टैंड अप गाने की इजाजत चाहूंगी इजाजत विक्रांत चौधरी आज वो मैं तेरी वोट दूंगा मूविंग ऑन एक घंटे का कंटेंट आपको पता है फरवरी में अभी 4 साल हो गए हमें और 2017 फरवरी में 55 सेकंड की एक वीडियो से स्टार्ट किया था हमने आज 55 मिनट की एक वीडियो बनाई है ऑल थैंक्स टू यू गाइस आल्सो थैंक्स टू माय टीम थ्रिलर में आई फील अन्नदुन्दा दृश्यम इंडिया की बेस्ट थ्रिलर है और तीसरे नंबर पे ये जो बना रहे हैं बस तीसरे ही नंबर पे आनी चाहिए ये चौथे पे ना चली जाए बस इस फिल्म पे काम करना मैंने 13 दिसंबर को हमने साइको सिंगल डाली थी और उसके बाद 15 दिसंबर एक दिन का बीच में गैप लेके 15 दिसंबर को मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था तो आज आप टाइम देख लो क्या हो रहा है इतना टाइम लगा इस पूरे एक घंटे के कंटेंट को लिख के बना के रिलीज करने में तो आओ ज़रा जर्नी पे चलते हैं कैसे स्टार्ट हुआ कैसे किया क्या सारी चीज़ें की बातें करते करते दिखाता हूँ तो सबसे पहली चीज़ आती है अपनी स्क्रिप्ट जो कि सबसे ज़रूरी है क्योंकि आपको बैठ के कमरे के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखनी है जिसके साथ आपको 2 महीने तक श्योर रहना है आपको शूट पे श्योर रहना है आपको एडिट पे श्योर रहना है क्योंकि आप इतनी बार उस चीज़ को सुन चुके हो देख चुके हो आपके लिए जोक्स काम करने बंद कर चुके हैं आपके लिए कोई सस्पेंस कोई ट्विस्ट कुछ नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखते टाइम उसके ऊपर श्योर होना है कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया आइडिया और ये फोड़ देगा तो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि एक हमने वीडियो बनाई थी 2019 में मार्च में वो बहुत चली थी हमारी शेयरिंग कैब विद योर एक्स तो मैंने सोचा था कि उसका कुछ सीक्वल बनाएंगे नॉट एग्जैक्टली विद एक्स शेयरिंग कैब विद योर यू नो एक्स प्रिंसिपल एक्स स्कूल प्रिंसिपल तो और उसका कुछ ऐसा फॉर्मेट कि एक बंदा है उसके प्रिंसिपल के साथ वो कैब शेयर कर रहा है जो पुराने स्कूल का और उसकी बेटी के साथ इसका कुछ चक्कर था थोड़ा सा उसके ऊपर आगे काम किया तो उतनी बात जमी नहीं अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ये आइडिया अच्छा लगे तो बना लेना अब मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर वो कैब वाली चीज़ उतनी जमी नहीं साइड बाय साइड मेरी वो जज वाली जो एक वीडियो थी जज रिकॉग्नाइजेज मर्डरर ए स्कूल फ्रेंड वो मेरे को एक बहुत ही सॉलिड वीडियो लगती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी और मुझे ऐसा लगता था कि उस प्रेमाइस में हम कुछ और करें तो मज़ा आया थोड़ा कोर्ट रूम ड्रामा व्रामा अच्छा सा करें तो फाइनली दिमाग ये बना कि कैब वाली कॉन्फ्लिक्ट और जज और कोर्ट रूम वाला प्रेमाइस इन्हें एक जगह पे लेके आते हैं और एक दोनों का मिश्रण कुछ बनाते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट था और कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया पहले भी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अब इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि या तो मैं इसको पूरी तरह से कॉमेडी के अंदर लेके जा सकता था और कॉमेडी में मैं एंड कर देता लेकिन बहुत टाइम से ये यू नो कीड़े उठ रहे थे अंदर कि यार सिर्फ कॉमेडी नहीं यार कुछ थ्रिलर ऐड करते हैं कुछ थोड़ा अलग कुछ सीखते हैं कॉमेडी तो चलो ठीक है ठीक ठाक अब अपन बना ही लेते हैं और अब कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिससे कल को जब अपनी पिक्चर बनाएंगे तो मज़ा आए ऐसा एक्सपीरियंस अपने को ऑडियंस को देना है कि हंसते हंसते कब एकदम से गूज़बम्स आने स्टार्ट हो गए पता ही ना चले और कब इन द मिडल ऑफ द वीडियो ये रियलाइज होना कि यार थोड़ी देर पहले तो हंस रहे थे यार अभी तो एकदम सस्पेंसफुल हो गया स्क्रिप्ट खत्म करते ही जो मेरा पहला स्टेप होता है वो होता है पूरी टीम को इकट्ठा करना और उनको पूरी स्टोरी नरेट करके उनका फीडबैक लेना कि वो ऐसे एक बंदे के बैठ के ऐसे कंधे दबा रहा होता है मसाज कर रहा होता है उसको ये बंदा कौन है हल्का हल्का ट्रैक आउट हो रहा होता है ये बंदा है टाइपराइटर जो आगे बैठता है तो फाइनल स्क्रिप्ट हाथ में थी पर ऐसी बड़ी चीजों को बनाने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े पीसे भी लगते हैं पर हमारी ये टेंशन ऑक्टा एफएक्स ने दूर कर दी हमने उन्हें अपना कंटेंट सुनाया दे रियली लाइक्ड इट और उन्होंने बोला था थास्तु आगे बढ़ो हम बैक करेंगे जिन्हें ऑक्टा एफएक्स के बारे में नहीं पता है मैं ऑल्दो पहले भी 3-4 बारी अपने और वीडियोज में बता चुका हूँ
जिनको नहीं पता उनको एक बार फिर बता देता हूँ, OctaFX एक बेहतरीन फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप है जहाँ पे यू नो यू कैन स्टार्ट मेकिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर योर बिगर फ्यूचर इनकम। और जो लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है ट्रेड के बारे में, बिल्कुल न्यूबीज हैं, उनके लिए ये लोग एजुकेशनल कंटेंट, वेबिनार्स, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आपको सिखाने के लिए। फ्री में एक डेमो अकाउंट देते हैं जहाँ पर आप बिना पैसे खर्च किए भी सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 50% बोनस मिल जाएगा, तो आई थिंक यू शुड गो एंड चेक इट आउट। अभी जाके आप डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन लिंक से। स्क्रिप्ट और बजट के बाद बारी आती है प्री प्रोडक्शन की। प्री प्रोडक्शन बेसिकली लोकेशन, फ्रीलांसर्स को हायर करना, देसी भाषा में शूट की सारी तैयारी। इस बार हमारी इस पूरी शूट की तैयारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो थी दो। पहली, जो हमारी लोकेशन है कोर्ट रूम की, उसे थोड़ा प्रीमियम बनाना, क्योंकि हमने पिछली जो वीडियो शूट की थी उसके अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ी रिफ्लेक्टिव सी वॉल्स थी, ब्लैक ब्राउन, मतलब उतने अच्छे कलर्स नहीं थे। तो इस बार हमने सबसे पहले ये ट्राई किया, क्वालिटी वाइज अच्छा लगना चाहिए, देख के प्रीमियम लगना चाहिए, थोड़ा अपग्रेडेड लगना चाहिए, 2019 से 2021 लगना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कास्टिंग, क्योंकि अगर एक भी जना ढीला पड़ गया तो वीडियो यू नो वो वाला फ्लेवर खराब हो जाएगा। तो कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन टच वुड, भोले बाबा की कृपा रही, माधुरी को देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, हो सकता है इसने खून किया हो, थोड़ी चलाक लग रही है देख के। शिल्पा की शक्ल से वाली इनोसेंस निकल के आ रही थी कि हाँ यार, ये इसने नहीं किया, इसके साथ गलत हो रहा है खड़ा। राघव एक ऐसा बंदा लग रहा था कि हाँ, ये मर जाएगा तो इसका यू नो दुख नहीं होगा उतना मरने का, एक हरामी बंदा लग रहा था। विक्रांत वो एक सिंघम वाला कॉप लग रहा था कि यार मॉरल्स पे जीता है और कुछ भी गलत नहीं करेगा अपनी लाइफ में। भाटिया जी एज ऑलवेज एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस, माँ ने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। इसके अलावा मुदित, जो छोटे छोटे रोल्स में लोग आए हैं, ध्रुव छोटे से रोल के लिए आया है, मिश्रा ने तो मतलब आग ही लगा दी। हमारे जितने भी इनहाउस लोग हैं, आकांक्षा, भूपेंद्र, राजेश, ये सब लोगों ने बहुत बेहतरीन किया। देखो ये ना, हमारी हमने तीन एक्ट्रेसेस कास्ट की हैं, सब एक दूसरे ज्यादा सुंदर दिखने की और अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश कर रही। दिखाओ दिखाओ एक बार कैमरा, दिखाओ एक बार तीनों। ताली बजाओ। भाई साहब नेक्स्ट लेवल, वो कंप्लीट है। बस मुझे डर इस बात का है कि ये ना पूछ ले कि हम में से ज्यादा सुंदर कौन दिख रही है, ज्यादा अच्छी एक्टिंग कौन कर रही है। आज अपने क्लोजअप्स हैं, लेकिन आज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कल चिल्ला चिल्ला के ना ऐसा गला फट गया था, तो अपन ने एक जुगाड़ ढूंढ लिया। अपन कैरियोके जब करते हैं घर पे तो ये यूज़ करते हैं, तो आज हमारे पास ये है। चेक चेक, बढ़िया, ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बैठ के यहाँ पे शॉट देखेंगे अपन, यहाँ पे अपन शॉट देखेंगे, यहाँ से अपन बता देंगे कि क्या करने का है। तो लास्ट टाइम की स्टोरी मैं दिखाता भी रहूँगा, साथ साथ मैं बताता भी रहूँगा। तो हुआ क्या था कि हमने ये जस्ट रिकॉग्नाइज इज मर्डर स्कूल फ्रेंड किया था, और भूपेंद्र से हमने कराना था मिश्रा, और राजेश से हमें कराना था यादव जी। और हमने जाके वहाँ पे पूरा सेट वेट लगाया, सारी चीज़ें की, प्रॉपर हमने शूट स्टार्ट किया। हमें पता क्या चला कि भाई सब लुक वुक और सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन सुर नहीं बैठ रहा सही। वो होता है एक आर्टिस्ट का, सुर सही नहीं बैठता कई बार, सुर सही नहीं बैठ रहा। और इतना कॉमेडी 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 कर लिया था, इतना लगातार कॉमेडी कर लिया था कि सीरियस हो ही नहीं पा रहा था, आ ही नहीं पा रही थी वो चीज़ जो एक सीरियसनेस चाहिए थी मिश्रा के, यू नो एक फनी वाला एलिमेंट भी चाहिए था लेकिन एक सीरियस चीज़ भी चाहिए थी। तो वहाँ पे तो इस कोर्ट रूम से हमारे बहुत ही बुरी यादें भी जुड़ी है, क्योंकि आप सोचो पूरा शूट लगने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, सारे पैसे जाने के बाद, हर चीज़ के इतना क्राउड बुला के, सबका सारा कुछ करने के बाद, आप शाम को पैकअप कर रहे हो और ये वाली थॉट के साथ पैकअप कर रहे हो कि नहीं ऊपर। लेकिन आई थिंक वो उस टाइम पे, मैं अभी पीछे सोचता हूँ तो बहुत एक ब्रेव डिसीजन लिया उस टाइम पे मुझे लगता है, और पूरी टीम ने बैक किया उस डिसीजन को, क्योंकि मैं बहुत डाइसी था उस टाइम पे। लेकिन हमने किया कि ठीक है यार, अगर परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पा रही है और कंटेंट हमें अच्छा लग रहा है कि अच्छा कंटेंट बन सकता है, तो फक नहीं करते। और उस टाइम पे जब जेब में पैसे भी नहीं होते थे, हमने वाला डिसीजन लिया कि ठीक है, जो पैसे लग गए 70-80 हज़ार रुपये उसे साइड लगाओ, दोबारा से करते हैं कास्टिंग, दोबारा से आएंगे और अच्छे से करके पूरी वीडियो बनाएंगे। और आई थिंक इसीलिए कहीं ना कहीं वो हमारी चैनल की सबसे सक्सेसफुल वीडियो थी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को इंसाफ दिला के रहूँगा। इसने उसके 15 टेक लिए 15 टेक लिए इसने उसके, ये साला स्वामी चिन्मयानंद 20 टेक लिए इसने उसके। हर एक्टर का अपना एक जोन होता है। अब तुम परेश रावल को सीरियस एक्टिंग करने के लिए बोल, तो कर लेते हैं। भोला, मन्नू, पीटर, सैंडी, जोसेफ, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने कैरेक्टर नहीं किए होंगे, हमें बात बना रहे हैं। बहुत ध्यान से एक एक एक्सप्रेशन, एक एक टोन का वो, और यहां पे मिश्रा फटेगा, ठीक है? तो वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल करेगा माधुरी जी,
सच बोलने का समय आ गया। मिश्रा को पता है सच, कोर्ट को पता चलना चाहिए। माधुरी जी, सच बोलने का समय आ गया। मैं सच ही बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही है। आप शुरू से झूठ बोल रही है। आप बैल्कनी में 10 दिन में जाके पूरा शूट निपटाया और मैं अकेले मतलब इसको पुल ऑफ नहीं कर पाता। टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी पुल ऑफ नहीं कर पाता। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम। सारे के सारे इतने डेडिकेटेड, इतने पॉजिटिव, इतने एंथुजियास्टिक लोग। मतलब एक एक बंदा आप बात करोगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे एक एक बंदे। तो ये हम पहली बार ही कर रहे हैं वाला ड्रामा, तो आज हम मिलवाते हैं सबसे। ये ऋषभ तुषार भाई, नमस्कार। आपने हर वीडियो के नीचे ऋषभ तुषार स्टूडियो, ऋषभ तुषार स्टूडियो देखा होगा। ऑडियो, वीडियो, साउंड, गाने, लिरिक्स और साउंड सिंक और लाइट लगाने से लेके फाइनल वीडियो का सब कुछ करने से लेके सब कुछ ऋषभ तुषार भाई देखते हैं। भाई साहब, हम तो म्यूजिशियन हैं जी हाँ, लेकिन ये बहन हमसे शूट करवाते हैं फ्री में। एक्शन, आने दे, जो भी है बक्कल का दूंगा उसका मैं। सॉरी सर, रियली सॉरी। ट्रैफिक देखो ना कितना है सड़क पे, हो जाता आदमी लेट। नहीं सर, वो एक्चुअली कल हाउस पर। बेंचो बंद हो, मजदूर बना दिया है यार। अपने गाने बनाने का टाइम नहीं है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, अच्छा गाते हैं हम। बेटा गिटार निकाल। साउंड रोलिंग, कैमरा रोलिंग, रोलिंग। आराम से, आराम से, आराम से। 3, 2, 1 एंड एक्शन। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। भाई दो मिनट रुक लो भाई, BTS का शॉट आउट लेना है। फटाफट आ जाओ, एक बार फटाफट आ जाओ भाई स्टूडियो में। तो अपन ना सब लोग मल्टीटास्किंग वाले लोग हैं अपने साथ। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम कर रहा है तो बस वो है, बाकी सब आप मिला कर लो। यहाँ पे ये देखो, ये हमारे एक्टर प्लस कॉस्ट्यूम दादा प्लस कॉन्टीन्यूटी देखते हैं ये AD। तो ऐसा नहीं है कि वह एक काम कर रहे हो उसमें हो गया, बहुत सारे इधर। कोई कोई दिन जा रहे हैं, अपने नाम का चैनल खोल दूंगा ना, व्यूज का अकाल पड़ जाएगा, फिर रोएंगे कि वीडियो नहीं चली। गाइस स्वाइप अप कर दो, वीडियो नहीं चल रही। भैंचो बंदवा मजदूर बना रखा है, लोगों को लगता है कि हम एक्टर है, मजे करते हैं। 23 घंटे में से 1 घंटे का शूट होता है हमारा, बाकी 22 घंटे मजदूरी करते हैं वहाँ। बोला खुद का भी कर ले, दूसरे के क्यू भी दे दे, कॉस्ट्यूम भी अरेंज कर ले, थिएटर आर्टिस्ट भी अरेंज कर ले। और पीछे से दोबारा बात किया, मैं जो गांडी मार लो ना, सेम ही दर्द होगा। हाँ, सूटा भी नहीं चलना है, आ जा। अरे भी कुछ नहीं, पता नहीं कौन सी चोरी चल रही आधे घंटे से। मनु शर्मा, बैक टू योर सीट। बहन जो डरते नहीं है किसी से, बहन की शादी और घर की किस्ती ना देनी होती ना तो एक सेकंड में गांड फाड़ देते इसकी। आया भाई, ये आप देख तो क्रश एक्टिंग है। ये आर्ट भी करती हैं, ये इनको पैसे भी देते हैं हम इस चीज के, ये इनके आर्ट असिस्टेंट है। देखो ड्रामा, देखो ड्रामा, देखो ड्रामा, सब पता है, रिकॉर्ड हो रहा है। ड्रामा देखो इनका, स्टिल हो गया एकदम, और फोकस से काम करने लगा। पेन ही रख रहे हैं और इससे ज्यादा कोई बारीक काम नहीं कर रहे हैं। पेन इतनी चिंदी है, 5 दिन के शूट में 3 दिन बुलाएंगे आर्ट वाली को और कहेंगे आकांक्षा साथ रह के सीखो इनके। क्यों? क्योंकि बाकी के 2 दिन आकांक्षा करेगी फ्री में, क्योंकि आकांक्षा के माथे पे तो कुछ लिखा हुआ है। आपने ये फिजिकलिटी की डिग्री कहाँ से ली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कोई रेलेवेंस नहीं है इस बात की। 23-23 घंटे शूट कराते हैं और फिर नेक्स्ट डे बोलते हैं वीडियो में सुंदर नहीं लग रही है। क्या खाक सुंदर लगूंगी? नहीं लगाएगी कि मेकअप करती है बस। किस घड़ी में हाउस होने के लिए हाँ बोल दिया मैंने।
मैडम जरा चलो अपने उनसे और मिलवाते हैं। ये प्रोडक्शन भाई मेरे यहाँ नसों में रहने लगा है दर्द। पहले तो कहेंगे लोकेशन ढूंढ दो, जैसे फिल्म बना रहे हो। अच्छा जी चलो लोकेशन ढूंढ दी, फिर करो पैसे की बात। सदा ही नंगे कहेंगे 20,000 रुपये की चीज 4,000 रुपये में करा के दे दो। अबे मेरे बाप की जगह है क्या वो? ये हमारे देवेश भाई हैं, ये सारा प्रोडक्शन देखते हैं, कहीं कोई बकचोदी होगी तो बस हम देवेश भाई को कॉल करते। पूरे शूट में सबके हाथ में एक डंडा रहता है, जहां कोई दिक्कत आई देवेश भाई में दे दो। ये हम हैं, ये हमारा सेट है और यहाँ पैकअप हो रहा है। लेकिन एक ही बात का सो गया, 3 महीने में एक ही वीडियो होती है। लुक देख लो भाई। अरे मोमेंट सनी शूट खत्म, पोस्ट प्रोडक्शन की बारी। पोस्ट प्रोडक्शन बेसिकली मैंने पहले बताया एडिट। शूट खत्म होने के बाद जब हम पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं, मेरे लिए बिल्कुल गंगा नहाने जैसा है, मोक्ष की प्राप्ति है। क्यों? सारी भागा दौड़ी खत्म। आप अपने कमरे में बैठे हो, मैंने सारी क्लिप अपने पास पकड़ ली है, हाथ में सारा डेटा मेरे हाथ में है, प्रीमियर प्रो मेरे को चलाना आता है, एडिट मेरे को आती है, अपना लाइनअप करते रहो, बेसिकली पेंटिंग है, अच्छे से पेंट करते रहो, फ्रेम इधर के उधर करके अपनी फीलिंग बनाते रहो। मेरे लाइनअप के बाद एक और बहुत जरूरी चीज आती है, वो है म्यूजिक। अब हमने ओरिजिनल थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया है म्यूजिक धीरे धीरे। पहले तो मैं सही पिक्चर विक्चरों का म्यूजिक लगा देते थे, अब लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ओरिजिनल म्यूजिक भी बनाना स्टार्ट किया। बीच में हमने कुछ गाने भी बनाए थे ओरिजिनल। भाई साहब म्यूजिक बदल देता भाई, जज्बात बदल देता म्यूजिक पूरा। अब आते हैं इस BTS की हाईलाइट पे। तो ये BTS का पूरा शूट बहुत एक्साइटिंग हो गया उस टाइम पे जब ये वाला आइडिया दिमाग में आया कि यार घर वालों को यहाँ पे बुला के एकदम टीवी पे बैठा के लाइटें बंद करके मूवी वाला माहौल बना के दिखाएं क्या क्या बनाया हमने 3 महीने लगा के। देखा मैंने कैसे बैठे थे। सॉरी मैम, शट अप।
शिवम आप अपने फ्रेंड्स को बुलाइए और प्रिंसिपल ऑफिस आइए दोनों आधे घंटे में। मैम तो आप ही बता दीजिए साड़ी का पूरी हुई है शिवम ने सब जगह सब छोड़ दिया आइए क्या हो गया ट्रैफिक जाम होता है। एंड तुम्हारे कैरेक्टर जो कैरेक्टर आग था वो बहुत प्यारा था जितने भी यूट्यूबर्स हैं जितने भी वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एक ही तरह का कंटेंट बना टिपिकली वो एक ही पैटर्न पे चल रहे होते हैं कैसी लगी हमारी फिल्म, कैसा लगा हमारा BTS। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस वाले चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी मैं छोटे छोटे वीडियो जरूर लाऊंगा अगर बड़ी वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है तो। जाने से पहले लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज और है। YouTube का सिल्वर प्ले बटन आ गया हमारा इस चैनल का। मेरे को याद है हमारे मेन चैनल का शायद कुछ 25-26 वीडियोस डलने के बाद और करीबन 2-2.5 साल के बाद जाके हमारा आया था। आई थिंक उस टाइम का वो हार्डवर्क यहाँ पे ऑफ कर रहा है और दो वीडियोस में हमारा ये सिल्वर प्ले बटन आ गया। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जल्दी जल्दी हमारा गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा। मैंने खोला नहीं अभी, ये करीबन 10 दिन से आया हुआ है तो आपके सामने खोलते हैं। हम यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं धीरे धीरे एकदम आराम से क्योंकि इज्जत इतनी है YouTube की और ये सारी चीजों की। एकदम प्यार से धीरे धीरे अपन करेंगे अनबॉक्सिंग मजे लेके और आपको दिखाएंगे सुंदर सा ये प्ले बटन लगता खुलने वाला है। और ये क्या है? क्या है? हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। अरे क्या फंसे गए? अरे यार फट जाएगा भाई। अबे यार ये तो पहले जैसा है। पकड़ साले जाहिल जंगली थूक भी दिया। I'm not a fool.